भीलवाड़ा जिले के मांडल में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत के बाद शनिवार को मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम करवाया और इसके बाद पुलिस ने परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए ये सभी शव सौंपे। सभी शवों का गमगीन माहौल में मालखेड़ा में अंतिम संस्कार किया गया। दर्दनाक हादसे के कारण पूरे गाँव में कहीं भी चूल्हा नहीं जला और इधर मृतका रत्नी के भाई ने बहन का अंतिम संस्कार अपने गाँव केरिया में करने की जिद की, लेकिन समाज और रिश्तेदारों के समझाने पर चारों मृतकों का अंतिम संस्कार एक साथ माल का खेड़ा में करने पर सभी राजी हो गए। इस घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन अंतिम संस्कार में पुलिस उपाधीक्षक जगदीश सिंह, थानाधिकारी गजेंद्र सिंह का मैं जाब्ते के मौजूदगी में कई सवाल खड़े कर दिए। बता दें कि शुक्रवार शाम को दंपति ने दो मासूम बेटे बेटी की हत्या करने के बाद खुद को भी पंखे से लटकाकर आत्महत्या जैसी घटना को अंजाम दिया। इसकी सूचना मिलते ही माला का खेड़ा में सन्नाटा पसर गया।